जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के पहले T20 मुकाबले में इंडिया ने करारी हार का सामना करा दिया है ऑस्ट्रेलिया को, जहां 11 रनों से मैच को जीत लिया। आपको बताते हैं दोस्तों, मैच का हर वो खास पल जो सभी के लिए खास बन चुका है, और आज के मैच में हमने एक ऐसी चीज़ देखी जो शायद इससे पहले आपने कभी किसी मुकाबले में देखी होगी, क्योंकि इंडिया टीम में 11 खिलाड़ी नहीं बल्कि 12 खिलाड़ी खेलते नज़र आए। जी हाँ दोस्तों, आप भी सुनकर ये हैरान हो गए ना, हम भी देख कर हैरान हो गए थे कि किस प्रकार से आज के मैच में एक बड़ा बदलाव हुआ। इसकी जानकारी आपको हम आगे वीडियो में देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच ने शुरुआत में गेंदबाजी का फैसला किया टॉस जीतते हुए, जहां पे इस शानदार स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया इंडिया टीम को। अब देखते हैं, हम T20 में ज्यादातर लोग चेस ही करना पसंद करते हैं, ज़्यादातर टीमें फैसला यही लेती हैं कि पहले वो गेंदबाजी ही करेंगी, क्योंकि बाद में चेस करना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। लेकिन आज के मुकाबले में ऐसा नहीं था, क्योंकि जो 12वें खिलाड़ी के रूप में आया था उसने सबको नानी याद दिला दी है। बात करें प्लेइंग 11 की तो इंडिया टीम से शिखर धवन, केएल राहुल, विराट कोहली, मनीष पांडे, संजू सैमसन, हार्दिक पंड्या, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, दीपक चहर, मोहम्मद शमी और नटराजन खेले। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आरसी शॉट, एरन फिंच, मैथ्यू हेवर्ड, स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, मॉजिस हेनरिक्यूज, मिचेल स्वेप्सन, सीन एबेट, मिचेल स्टार्क, एडम जाम्पा, जोस हेजलवुड खेले। अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वॉर्नर की कमी जरूर खली, जो मैच के दौरान आपको बताते हैं। अब बात करते हैं रनों की, किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए, किसकी खराब फॉर्म रही, किसने सबसे ज़्यादा कैच छोड़ी। तो दोस्तों, शुरुआत में बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल और शिखर धवन बल्लेबाजी करने के लिए आए ओपनिंग में। अब केएल राहुल का तो T20 फॉर्मेट के बारे में आप फॉर्म जानते ही हैं, IPL में लगातार अच्छी पारी के बाद उनको यहाँ पर भी एक अच्छा मौका मिला कि ओपनिंग करी, और ओपनिंग में अपने आप को साबित भी कर दिखाया, क्योंकि जिस प्रकार से टीम इंडिया में रोहित शर्मा जो भूमिका निभाते हैं, एक मास्टर ब्लास्टर की पारी खेलते हैं जहां पर चौके छक्के से बात करते हैं, तो कुछ इसी प्रकार से केएल राहुल ने खेला, जहां पर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के सभी बल्लेबाजों में मिलाकर सबसे ज़्यादा रन केएल राहुल के ही थे, क्योंकि एकमात्र ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने आज के मुकाबले में अर्धशतकीय पारी खेली, यानी कि 40 गेंदों में 51 रन की पारी खेली, 5 चौके, 1 छक्के की मदद से 127 का स्ट्राइक रेट था। वहीं दूसरी तरफ शिखर धवन दूसरे छोर पर बहुत ही जल्दी विकेट खो दिए थे, क्योंकि 6 गेंदों पर एक ही रन बना पाए थे। इतने में ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने इनको अपना पहला शिकार बनाया था। अब पहली विकेट ज़्यादा जल्दी गिर गई थी, इसी वजह से केएल राहुल थोड़े दबाव में आए थे, लेकिन विराट कोहली जब बल्लेबाजी करने के लिए आए तो कोशिश उनकी वही थी कि केएल राहुल से प्रेशर रिलीज किया जाए ताकि केएल राहुल खुलकर खेल सके, तो सिंगल सिंगल लेकर बात कर रहे थे ताकि केएल राहुल को सामने लाया जाए और वो अपनी अच्छी पारी खेल सकें। तो ऐसे में विराट कोहली भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने, क्योंकि 9 गेंदों पर 9 ही रन बना पाए थे 1 चौके की मदद से। तो उन्होंने एक गलत शॉट का सिलेक्शन किया, जहाँ पर मिचेल स्वेप्सन की गेंद पर बल्ला घुमाया और बल्ले की एज लगते हुए गेंद हवा में, और जिस गेंदबाज ने गेंद कराई थी उसी ने कैच पकड़ ली। विराट कोहली भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने गलती करी है, बल्ला कहीं और घुमाना था, लग कहीं और गई गेंद। लेकिन ऐसे में अब बारी थी दूसरे स्टार खिलाड़ी की, जो कि IPL में गजब की फॉर्म में नजर आए थे, संजू सैमसन की। संजू सैमसन जब बल्लेबाजी करने के लिए आए तो शिखर धवन, विराट कोहली का विकेट बहुत जल्दी गिर गया था, दूसरे छोर को केएल राहुल ने संभाल रखा था, लेकिन संजू सैमसन जब बल्लेबाजी करने के लिए आए तो ये अपनी ही फॉर्म साथ लेकर आए थे कि मानो IPL से जो सेट थे वही सेट यहाँ पर इन्होंने दिखाया, क्योंकि 15 गेंदों पर 23 रन की पारी खेली 1 चौके 1 छक्के की मदद से। इनके बारे में ये बात सुनने को ज़्यादा मिली कमेंटेटर के द्वारा कि जब भी संजू सैमसन 20 या 30 रन से आगे निकल जाते हैं तो इनके बल्ले से अर्धशतकीय पारी या 70-80 रन की पारी तो कम से कम देखने को ही मिलती है, और उसमें ज़्यादातर छक्के होते हैं, जब मन करता है तब ये छक्के लगा सकते हैं, इनके पास ये खासियत है। तो आज के मुकाबले में भी इन्होंने एक शानदार छक्का लगाया था, वो भी बहुत ही शानदार था, करीब 95 मीटर का छक्का बताया गया था दोस्तों वो। लेकिन अब संजू सैमसन मॉजिस हेनरिक्यूज की गेंद पर आउट हुए, कैच पकड़ी थी मिचेल स्वेप्सन ने, तो फिर से दबाव केएल राहुल पर आ गया, क्योंकि दूसरे छोर पर जब मनीष पांडे आए तो मनीष पांडे से उम्मीद थी कि वो केएल राहुल को सामने लाएंगे और सिर्फ सिंगल डबल से ही बात करेंगे, क्योंकि सामने केएल राहुल बहुत अच्छा खेल रहे थे, उनको चाहिए था कि कोई उनको खुल के खेलने के लिए सामने एक बंदा क्रीज को संभाल ले और केएल राहुल बल्ला घुमाते रहें। लेकिन अब मनीष पांडे लगातार गेंद खाली करते रहे तो मनीष पांडे पर दबाव आ गया, क्योंकि उन्होंने 7 गेंद खाली कर दी थी, उसके बाद 2 ही रन बना पाए थे उन 7 गेंदों में, लेकिन जब 8वीं गेंद खेलने के लिए गए तो इनको चाहिए था अब चौका या छक्का, क्योंकि इनका जो
स्ट्राइक रेट था वो घटकर बहुत ही नीचे यानी 30 के करीब आ गया था। तो ऐसे में एडम जाम्पा ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया, इनको एक अच्छी गेंद डालते हुए मनीष पांडे ने बल्ला घुमाया लेकिन कैच पकड़ी सीधा जस हेजलवुड ने। अब जैसे ही मनीष पांडे 8 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए, दबाव में फिर से आ गए केएल राहुल। लेकिन दूसरे छोर पर दबाव को रिलीज करने के लिए हार्दिक पंड्या की एंट्री हुई थी। अब केएल राहुल ने अपनी अर्धशतक भी कंप्लीट कर लिया था 36 गेंदों में, उसके बाद 2-3 गेंद इन्होंने भी खाली करी क्योंकि जो टीम का करंट रन रेट था जो 8.5 के करीब चल रहा था वो घटकर 6.5 करीब आ गया था। तो ऐसे में टीम को ये लग रहा था कि जितनी तेज़ी से विकेट गिर रही है उतनी तेज़ी से करंट रन रेट भी गिर रहा है, तो बनाना रन जरूरी है। अब 6.5-7 रन का तो करंट रन रेट कोई मायने नहीं रखता क्योंकि T20 का फॉर्मेट है 8 या 9 का रिक्वायर्ड रन रेट, जब तक सामने टीम को ना दिया जाए तब तक मैच में मज़ा नहीं आता। अब केएल राहुल ने 50 भी कंप्लीट कर ली थी तो ज़्यादा दबाव में नहीं थे, इन्होंने बल्ला घुमाया लेकिन फिर से मोजिस हेनरिक्यूस जो ऑस्ट्रेलिया में ऑलराउंड परफॉर्मेंस करते हैं उन्होंने अच्छी गेंद डाली, कैच पकड़ी सीन एबर्ट ने। केएल राहुल ने भी गलत शॉट का सिलेक्शन किया तो ये आउट हो गए लेकिन इनके सामने सिचुएशन ऐसी बन गई थी जिसकी वजह से इनको बल्ला घुमाना पड़ा। अब बारी थी हार्दिक पंड्या के साथ रविंद्र जडेजा की जोड़ी की जो कि ODI के 3 मैच में यानी कि तीसरे मैच में हमें बहुत ही खतरनाक दिखाई दी थी। ये जोड़ी 150 रन की पार्टनरशिप भी करी थी तो आज के मुकाबले में भी शुरुआत में 10-15 गेंद जब निकली थी तो लगा था कि आज फिर से एक तूफान आने वाला है हार्दिक पंड्या और रविंद्र जडेजा के बल्ले से, लेकिन यहाँ पर तूफान को बहुत ही जल्दी रोक दिया गया क्योंकि हार्दिक पंड्या ने अपनी पारी के दौरान एक ही छक्का लगा पाए थे, 15 गेंदों पर 16 रन की पारी ही खेल पाए थे और मोजिस हेनरिक्यूस ने एक बार फिर से कमाल की गेंद डाली, अपना तीसरा शिकार के रूप में हार्दिक पंड्या को चलता किया, कैच पकड़ी सामने खड़े स्टीव स्मिथ ने। पहले जब छक्का मारा था हार्दिक पंड्या ने वो शानदार था लेकिन दूसरे की कोशिश में ही इनकी विकेट गई थी क्योंकि करंट रन रेट की बात आ रही थी दोस्तों कि जो रिक्वायर्ड रन रेट और करंट रेट थे उसको बनाए रखना था कि 8 के करीब तो रहे लेकिन जब 6.5 या 7 आ जाता है तो सभी बल्लेबाजों के पसीने छूटते हैं कि इतने कम स्कोर से क्या होगा क्योंकि ये तो फाइटिंग टोटल भी नहीं है, क्योंकि उस समय लग रहा था कि 120 या 30 ही रन बन पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आया सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट क्योंकि रविंद्र जडेजा दूसरे छोर पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। अब इनके सामने एक सिचुएशन ये आ गई कि एक गेंद को खेलते वक्त ये हो गए थे इंजरी का शिकार, जहाँ पर पहले इनको पाँव में इंजरी आई लेकिन उसके बाद इनके हेलमेट पर भी एक गेंद लगी थी जिसकी वजह से इनको थोड़े बहुत चक्कर भी आ रहे थे, उसी की वजह से 12वें प्लेयर की एंट्री हुई थी। अब रविंद्र जडेजा ने नाबाद 23 गेंदों में 44 रन की पारी, 5 चौके 1 छक्के की मदद से और 191 के स्ट्राइक रेट से खेली। इतनी अच्छी पारी तो रविंद्र जडेजा के बल्ले से हमने देखी और साथ ही साथ रविंद्र जडेजा ने जिस सिचुएशन में खेला वो गजब का था क्योंकि पिछले मैच में हार्दिक पंड्या दूसरे छोर से रन बना रहे थे तो रविंद्र जडेजा इस छोर से रन बना रहे थे, लेकिन आज रविंद्र जडेजा अलग और अकेले थे। और जब ये इनके पाँव में इंजरी आ गई थी तो जब ब्रेक आया, ब्रेक के बाद वापस से शुरू हुई पारी, छक्का लगाया बंदे ने, फिर चौका लगाया फिर अगली गेंद पर फिर चौका लगाया, लगातार ये चौके छक्के से ही बात करने लगे क्योंकि सिंगल डबल से जो अभी ले रहे थे रन, अब ये रन भाग नहीं पा रहे थे तो इनके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि चौका छक्का मारो। तो ऐसे करते कराते इन्होंने टीम इंडिया का अंतिम स्कोर 20 ओवर 161 7 विकेट के नुकसान पर खड़ा कर दिया, जहां रविंद्र जडेजा के साथ दूसरे छोर पर वॉशिंगटन सुंदर भी थे, उन्होंने भी 5 गेंदों पर 7 रन बनाए 1 चौके की मदद से, लेकिन मिचेल स्टार्क ने आखिरी ओवर में उनको चलता कर दिया था। दीपक चहराए लेकिन एक भी गेंद नहीं खेली। सबसे अच्छी गेंदबाजी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में मोजिस हेनरिक्यूस ने 4 ओवर में 22 रन देते हुए 3 विकेट लिए, मिचेल स्टार्क ने 4 ओवर में 34 रन देते हुए 2 विकेट और एडम जाम्पा के खाते में भी 1 विकेट गया और स्वेप्सन के खाते में भी 1 विकेट गया। अब बारी थी ऑस्ट्रेलिया को 162 रन बनाने की कि 20 ओवर में 162 रन बनाना है, लेकिन अब उनके पास डेविड वॉर्नर नहीं था और डी आशीष शॉट ने मैच शुरू होने से पहले कई इंटरव्यूज में ये कहा था कि डेविड वॉर्नर की कमी को वो खलने नहीं देंगे टीम में। शुरुआत जैसी करी थी वो बिल्कुल ही सच साबित हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक ट्विस्ट और टर्न जब आया जब टीम इंडिया में हुई 12वें खिलाड़ी की एंट्री। कह सकते हैं कि मैदान पर तो 11 ही थे लेकिन सचमुच ये 12वां प्लेयर एक टीम इंडिया के लिए आस के रूप में आया, वो थे युजवेंद्र चहल। शुरुआती प्लेइंग 11 में चहल की एंट्री नहीं हुई थी जिससे कोहली को शायद अब पछतावा हो रहा होगा कि उन्होंने चहल की एंट्री क्यों नहीं दी, क्योंकि चहल T20 फॉर्मेट में सबसे अच्छे स्पिन गेंदबाजों की लिस्ट में अपना नाम शामिल कर रहे हैं, बावजूद इसके चहल को शामिल नहीं किया गया। अब चहल की जब
रविंद्र जडेजा की जगह एंट्री हुई, क्योंकि दोस्तों हमने आपको बताया वीडियो की शुरुआत में कि किस प्रकार से रविंद्र जडेजा के एक लास्ट की ओवर में गेंद खेलते वक्त पहले बल्ले से लगी, फिर उसके बाद हेलमेट से उनके गेंद लग गई थी, जिसकी वजह से उनके पाँव में भी इंजरी आ गई थी उससे पहले। तो वहाँ पर इंजरी की सिचुएशन में थे रविंद्र जडेजा, और रविंद्र जडेजा टीम इंडिया में गेंदबाजी करने वाले थे आज, यानी चार ओवर उनके नाम भी थे। लेकिन ऐसे में मैच रेफरी को ये बात कही गई तो उन्होंने एक बड़ा ही निर्णायक फैसला लिया कि उन्होंने कंसेशन सब्स्टिट्यूशन के रूप में युजवेंद्र चहल की एंट्री करवाई, और एंट्री ऐसी नहीं कि सिर्फ वो फील्डिंग करेंगे बल्कि चहल गेंदबाजी भी करेंगे। अभी तक आपने सिर्फ मैच के दौरान यही देखा होगा कि चहल या फिर कोई भी सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी आता है तो सिर्फ वो फील्डिंग करता है, ना कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी करता है, सिर्फ वो उस खिलाड़ी की जगह फील्डिंग करने आता है 11वें खिलाड़ी के रूप में। तो ऐसे में आज युजवेंद्र चहल की एंट्री तो हुई लेकिन उन्होंने गेंदबाजी भी की, और गेंदबाजी सबसे ज़्यादा सफल रही युजवेंद्र चहल की, क्योंकि युजवेंद्र चहल ने चार ओवर कराए रविंद्र जडेजा की जगह, और उन्हीं चार ओवर में 25 रन दिए और 3 विकेट भी झटक लिए। सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस गेंदबाजी के रूप में युजवेंद्र चहल का ही रहा, क्योंकि डी आशीष शॉट शुरुआत में अच्छे शॉट खेल रहे थे, लेकिन सामने एरन फिच, यानी कि 6 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का जो स्कोर था वो 46 के करीब पहुँच गया था। बहुत अच्छी तेज़ी से इन्होंने शुरुआत की थी लेकिन उसके बाद गेंद थमा दी गई युजवेंद्र चहल को, और युजवेंद्र चहल अपने पुराने दोस्त एरन फिंच, जो RCB यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर में एक साथ खेलते हैं, उनके सामने गेंदबाजी करने के लिए आए। उससे पहले जब युजवेंद्र चहल को लेकर बातचीत हो रही थी तो मैच रेफरी के साथ ऑस्ट्रेलिया के कोच काफ़ी ज़्यादा नाखुश नज़र आए थे, क्योंकि ऐसे होना तो फिर तो सारी प्लानिंग पर पानी फिर ही जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कोच सब ने ये प्लानिंग बना रखी होगी कि इन 5 गेंदों के बाद गेंदबाजों के खिलाफ कैसी बल्लेबाजी करनी है, लेकिन शायद वो युजवेंद्र चहल को इस लिस्ट में शामिल करना भूल गए। तो एरन फिंच की पहली विकेट गई, 26 गेंदों पर 35 रन की पारी खेले थे एरन फिंच, 5 चौके 1 छक्के की मदद से। एरन फिंच ने पहली गेंद पर चहल की चौका जरूर लगाया था, लेकिन उसके बाद दूसरी गेंद पर चहल ने अच्छी गेंद डाली और एरन फिंच ने कैच उठा दी, पहली विकेट के रूप में एरन फिंच की विकेट गई। लेकिन उससे पहले दोस्तों दीपक चहर ने एक ओवर ऐसा डाला था जिसमें मनीष पांडे ने एक कैच छोड़ी थी, और उसी ओवर में विराट कोहली ने एक ऐसी कैच छोड़ी थी जो कि खड़े खड़े उनके हाथ में अपने आप आ जाती, लेकिन थोड़ी बहुत गलती वहां पर हुई कि आसमान की तरफ देखा और गेंद उनकी आँखों से ओझल होती हुई नजर आई और उनके सीधा हाथ से छूटते हुए माथे पर लगी और नीचे गिर गई थी। लेकिन दीपक चहर को जब सफलता नहीं मिली तो एरन फिंच के रूप में सफलता युजवेंद्र चहल ने दिलाई। अब उसके बाद ही युजवेंद्र चहल ने दूसरा सबसे बड़ा विकेट लिया स्टीव स्मिथ का, जो कि 9 गेंदों पर 12 रन की पारी एक छक्के की मदद से खेल रहे थे। स्टीव स्मिथ को चलता कर दिया बहुत जल्दी। ये दोनों ही सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं दोस्तों, देखा जाए ऑस्ट्रेलिया में अगर ये टिक जाते तो अकेले दम पर ही मैच जिताना जानते हैं। लेकिन उसके बाद अगर युजवेंद्र चहल अपना कमाल दिखा रहे थे तो टी नटराजन और दीपक चहर अब पीछे कैसे रह सकते थे, क्योंकि टी नटराजन ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए डाशे शॉट को भी 38 गेंदों पर 34 रन की पारी जो खेल रहे थे 3 चौके की मदद से दूसरे छोर को संभाल रखा था, उनको बहुत जल्दी चलता कर दिया था। उससे पहले ग्लेन मैक्सवेल की विकेट गई थी टी नटराजन के हाथों, क्योंकि टी नटराजन ने भी आज के मैच में अपना डेब्यू किया T20 इंटरनेशनल का, और ODI डेब्यू तो उनका काफ़ी शानदार रहा था, उसमें 2 विकेट ली थी, और अपने डेब्यू T20 इंटरनेशनल मैच में इन्होंने 3 विकेट ली, जहां 3 गेंदों पर 2 रन की पारी खेल रहे थे ग्लेन मैक्सवेल, उनको LBW आउट किया, उसमें रिव्यू लिया गया था और रिव्यू सक्सेसफुल हुआ और विराट कोहली के पक्ष में गया। विराट कोहली के पक्ष में जाते ही ग्लेन मैक्सवेल की विकेट तीसरे बल्लेबाज के रूप में चली गई, फिर चौथे के रूप में डी आशीष शॉट की चली गई। उसके बाद तो क्या था, विकेट का सिलसिला जारी रहा और इंडिया के गेंदबाज हावी रहे। मोजेस हेनरिक्यूज़ ने आज अपना ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाया, क्योंकि 20 गेंदों पर 30 रन की पारी मोजेस हेनरिक्यूज़ ने भी खेली 1 चौके 1 छक्के की मदद से, लेकिन दीपक चहर ने इनको LBW आउट किया और चलता गया। मैथ्यू वाइड भी आए थे गेंद बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन युजवेंद्र चहल ने इनको अपना शिकार बनाया, 9 गेंदों पर 7 ही रन बना पाए थे। उसके बाद शॉन एबट भी आए, 8 गेंदों पर 12 रन नाबाद रहे 1 छक्के की मदद से, लेकिन कमाल कुछ नहीं कर पाए। मिचेल स्टार्क भी आए, 2 गेंदों पर 1 ही रन बना पाए, टी नटराजन ने इनका विकेट ले लिया। फिर स्वैप्सन भी आए, 5 गेंदों में 12 रन बना पाए 1 चौके 1 छक्के की मदद से, 240 का स्ट्राइक रेट रहा, लेकिन जो अंतिम में रिक्वायर्ड रन रेट था वो 20 से प्लस का जा चुका था, जिसकी वजह से 20 ओवर में 150 7 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम बना पाई। कह सकते हैं दोस्तों कोहली की किस्मत ने आज पूरा साथ दिया, क्योंकि युजवेंद्र चहल की जो वापसी थी वो बहुत ही गजब की रही, वो टीम इंडिया के लिए सबसे कारगर साबित हुई।
जहां पर 23 गेंदों पर 44 रन की पारी रविंद्र जडेजा पहले बल्लेबाजी करते हुए बना गए, उसके बाद गेंदबाजी में एक ऐसे गेंदबाजी की एंट्री हुई युजवेंद्र चहल के रूप में जिन्होंने 3 विकेट हासिल किया। इसलिए हम लगातार कह रहे हैं कि आज टीम इंडिया में 11 नहीं बल्कि 12 खिलाड़ी खेले, क्योंकि पहले जडेजा अपना कमाल दिखा गए, उसके बाद चहल कमाल दिखा गए। दोस्तों ये रहा पूरा मैच का हाल कि किस प्रकार से मनीष पांडे विराट कोहली ने कैच छोड़ी, हार्दिक पांड्या ने बहुत शानदार कैच पकड़ी थी, संजू सैमसन ने भी बहुत ही शानदार कैच पकड़ी थी एक बाउंड्री के करीब रहते हुए भी, उसके बावजूद युजवेंद्र चहल ने 3 विकेट हासिल की। जहां पर गेंदबाजों की बात करें तो दीपक चहर के खाते में 1 विकेट गए, 4 ओवर में 29 रन उन्होंने दिया था। वॉशिंगटन सुंदर भी खेले, 4 ओवर में 16 रन ही दिए ये, यानी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। उसके बाद मोहम्मद शमी 4 ओवर में 46 रन दिए, आखिरी का ओवर इन्होंने डाला इसलिए थोड़ा महंगा साबित रहे। टी नटराजन ने 4 ओवर में 30 रन देते हुए 3 विकेट लिए और युजवेंद्र चहल ने भी 4 ओवर में 25 रन देते हुए 3 विकेट लिए। पूरे मैच का हाल दोस्तों आपको बता दिया, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब जुड़ते हैं अगले मुकाबले की हाईलाइट के साथ जो कि खेला जाना है रविवार को, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी खास रहने वाला है, क्योंकि उस मुकाबले में भी बहुत ही शानदार घमासान मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। जरूर ऑस्ट्रेलिया बड़े बदलावों के साथ उतरेगी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।